जी आज का सबसे पहले तो आप जितने भी मीडिया के भाई बंधु हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला और इस बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे सब डिवीजन मैनेजर का कि भी दो बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका हूँ, चीफ इंजीनियर साहब को भी कर चुके हैं फोन, हम बहुत बार उनसे बात कर चुके हैं, इंजीनियर से मिल चुके हैं, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो कटेलमेंट का जो शेड्यूल दिया हुआ 8 घंटे का, ठीक है जी 8 घंटे का शेड्यूल आपने दे रखा है तो बहुत बढ़िया जी, आप उसके अकॉर्डिंग भी अगर करते हैं तो चलो हमें है तो वो भी पॉसिबल नहीं है 8-8 घंटे के काटा, लेकिन उसके अलावा हमारी जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी बंद रहती है वो सब डिवीजन मेंडर के अंदर, क्योंकि पहाड़ी इलाका समझ के और इसको इतने बेदर्दी के साथ मतलब इसका यूज़ किया जा रहा है लोगों का कि 15-15, 18-18 घंटे हमारी लाइट नहीं आ रही है। तो जब कभी किसी से फ़ोन पर बात की जाती है कि भैया क्यों ऐसा हो रहा है, तो जी देखिए जी आपका आप वाला फिल्टर जो है वो इस टाइम पर बंद चल रहा है क्योंकि उसमें फॉल्ट आ रखा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपकी विभाग से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है हमारा यहाँ से, उनसे कि भाई एक कौन सा इस टाइम पर बर्फबारी हो रही है यहाँ पर या कौन सी बरसात हो रही है, कौन सा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये फॉल्ट जो आ रहे हैं। अगर आज बिल्कुल मौसम साफ है आप देख सकते हैं, आप कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं कि बिल्कुल लोगों को धमका के लोगों को मतलब अपने घर नीलाम करके तो पैसे भरने पड़ रहे हैं इस टाइम पर, उसकी चीज़ के लिए कोई मतलब जो है राहत नहीं दी जा रही है। लेकिन जब बिजली की बात आती है आप एक चीज़ को समझें कि भाई 460 रुपये कर दिया, 360 से ज़्यादा 460 रुपये कर दिया एक आम आदमी का जो सिंपल कनेक्शन है जिसको मीटर नहीं लगा हुआ है, अब वो 460 रुपये तो दे रहा है महीने के, लेकिन महीने में लाइट कितनी आती है अगर 2 घंटे पर डे के हिसाब से भी हम रखें 2 या 2.5 घंटे पर डे आती है लाइट, तो 24 घंटे में 2-2.5 घंटे अगर आती है लाइट तो 30 दिन में 5-10 घंटे भी नहीं बनते हैं सारे के सारे, तो आप 5 दिन भी लेके चलो ये 25 दिन का जो किराया हमारे से फजूल में इसका लिया जा रहा है लोगों से, ये बिल्कुल एक मतलब गुनाह की तरह है कि ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। जब पैसा पूरा ले रहे हैं तो आप उनका काम भी पूरा कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमको फ्री नहीं मांग रहे हैं कि जी आप फ्री दे दीजिए हमें या वो कुछ कर दे, वो इनके बस में ही नहीं है, क्योंकि वो तो केजरीवाल साहब आएंगे तो फिर उसके बाद फ्री में सारा कुछ हो जाएगा, उससे पहले नहीं होने वाला। लेकिन अब जब हम इसके लिए पे कर रहे हैं तो हमारा हक बनता है कि हमें लाइट 24x7 दी जाए और ऐसा ना किया जाए, क्योंकि जम्मू के अंदर अगर आधा घंटा लाइट बंद करेंगे तो इनके सर तोड़ देंगे लोग, क्योंकि यहाँ पर हमारा हिली एरिया शरीफ लोग हैं बेचारे नहीं लोग बोल पाते हैं तो उसका ये नाजायज फायदा उठाते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैं कह चुका हूँ, यहाँ से वार्न करना चाहूँगा आपके माध्यम से, मैं कहना चाहूँगा यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कल को हमारे ऊपर ये नहीं कहना कि जी देखिए आपने ये गलत कर दिया वो कर दिया, हमारी ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कंटिन्यू इसी मसले को लेकर, तो इलेक्ट्रिसिटी मांग रहे हैं कोई हम वो कोई नहीं कर रहे हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जम्मू कश्मीर की खुद की इलेक्ट्रिसिटी है जिसको बाहर बेचा जाता है और हमें बाहर से ला के तो हमारे पैसे वसूली का सिर्फ काम रखा गया है और इस पर कोई नहीं किया जा रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो आपके हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि 6 के 6 फिल्टर हम बंद कर देंगे, 100-200 लोगों को लेकर मैं इन फिल्टरों के अंदर बैठूंगा तो फिर आप देखेंगे कि भी किस तरीके से क्या होगा।